तो वेल गाइज, अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, रैपर या फिर कवर सिंगर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि आपके फैंस, इंडस्ट्री, म्यूजिक लेबल, ज़ेडा मैनेजर्स आपके काम को काफ़ी सीरियसली ले, आपको काफ़ी सीरियसली ले, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है हमारी आर्टिस्ट प्रोफाइलिंग की, आर्टिस्ट अपनी किस तरह की इमेज क्रिएट कर रहा है। और इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है, जैसे स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट, जहाँ पर आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं, एप्पल म्यूजिक, जहाँ पर आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। जानेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में। इससे बॉय सुल्तान, यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। गाइस, 2022 तक ये फिर भी ओके था अगर आप अपना म्यूज़िक सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड कर रहे थे, बट 2023 में चीज़ें काफ़ी चेंज होने वाली है। आपको अपने आप को गियर अप करना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज़ 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने सॉन्ग्स को रिलीज़ कर रहे हैं ऑन स्पॉटिफाई। तो गाइस, स्पॉटिफाई दुनिया का ही नहीं बल्कि इंडिया का भी सबसे बड़ा म्यूज़िक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पर जाके लोग अपने फेवरेट म्यूज़िक को सुनते हैं, नए आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। इसलिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका खुद का आर्टिस्ट प्रोफाइल स्पॉटिफाई पे क्रिएट हो और आप अपने स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट के थ्रू उसे क्लेम कर सके। और गाइस, इसके साथ साथ ही जैसे कि हम देख रहे हैं कि एप्पल म्यूजिक भी काफ़ी ग्रो कर रहा है इंडिया में, तो आपको एप्पल म्यूजिक पे अपना अकाउंट, अपना आर्टिस्ट अकाउंट क्रिएट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ उसे क्लेम करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने अनरिलीज सॉन्ग और आपके जो आने वाले सॉन्ग्स हैं, ईपी है, एल्बम है, सिंगल्स हैं, इनको आपने लॉन्च करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म पे। पहले ये करना किसी भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए काफ़ी मुश्किल होता था, बट थैंक गॉड अब हमारे पास इंडिया में ट्यून कोर जैसी सर्विसेज है, जो कि आपसे 999 रुपीज़ लेती हैं पूरे साल को, और इस पूरी अमाउंट के अंदर ये पूरे साल भर आपका जितना भी म्यूज़िक, अनलिमिटेड म्यूज़िक आप रिलीज़ कर सकते हैं, या आप वो वहाँ पर सपोर्ट करती है, और साथ ही साथ आपके म्यूज़िक को ये ना सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स पे लाइव करती है, बल्कि आपको बहुत सारे एडिट बेनिफिट्स भी देती है, जो अदरवाइज़ किसी भी आर्टिस्ट के लिए, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए अचीव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और गाइस, इन एडिशनल बेनिफिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट एंड एप्पल म्यूजिक फॉर आर्टिस्ट। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने आर्टिस्ट अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और आप इन्हें क्लेम कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जाके आपको रजिस्टर करना है अपने आपको ट्यून कोर पे, और यहाँ पर आपको अपने म्यूज़िक को रिलीज़ करना है। उसके लिए आपको जाना है एड रिलीज सेक्शन में, और जैसे ही आप वहाँ पर रिलीज़ करना चाहते हैं अपना म्यूज़िक, और गाइस सबसे पहले ये आपको ऑप्शन पूछता है आपके सिंगल आप लॉन्च करना चाहते हैं, एल्बम लॉन्च करना चाहते हैं, आपको सिंगल टाइटल, जो आपका सिंगल का टाइटल है वो वहाँ पर डालना है, और इसके अलावा मेन आर्टिस्ट आपको यहाँ पर फीचर करना है। अगर आपका ऑलरेडी कोई स्पॉटिफाई या फिर एप्पल म्यूज़िक अकाउंट है तो आपको वहाँ पर मेंशन करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी है अकाउंट, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इजीली डिटेक्ट कर लिया है जैसे मैंने अपनी डिटेल्स डाली है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट स्पॉटिफाई पेज फॉर मी भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके लिए ट्यून कोर खुद एक बाय डिफ़ॉल्ट आपके आर्टिस्ट नेम के साथ ही एक नया अकाउंट बनाएगा, आर्टिस्ट अकाउंट बनाएगा ऑन स्पॉटिफाई। और एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको करनी है एप्पल म्यूज़िक पे। अगर आपका एप्पल म्यूज़िक इस टाइम तक कोई अकाउंट नहीं है, आर्टिस्ट अकाउंट नहीं है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो ट्यून कोर से कि वो आपके लिए एक नया एप्पल म्यूज़िक अकाउंट वहाँ पर आर्टिस्ट वाला आपके लिए क्रिएट कर ले। इसके अलावा आपको चेंजेस सेव करनी है, और गाइस इसके अलावा यहाँ पर आपको अपनी बाकी रिलीज डिटेल्स डाल देनी है और अपने सॉन्ग को लाइव कर देना है। तो गाइस, जैसे ही आपका सॉन्ग लाइव हो जाता है तो आपको अपने डैशबोर्ड में कुछ इस तरह का एप्पल म्यूजिक फॉर आर्टिस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो कि आपको एप्पल म्यूजिक में जो आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है उसको क्लेम करने में आपको हेल्प करने वाला है। और गाइस, जैसे आप इसे क्लिक करते हैं वैसे ही आपको लेकर जाएगा एप्पल म्यूजिक फॉर आर्टिस्ट पे, और यहाँ पर सबसे पहले आपको जिस नाम को आप क्लेम करना चाहते हैं, जिस आर्टिस्ट अकाउंट को आप क्लेम करना चाहते हैं, आपको वो यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। और इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली अपना नाम टाइप करना है जिसको आप क्लेम करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो मैंने अपने सिंगल को रिलीज़ किया था उसकी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। तो गाइस, यहाँ पर मुझे अपना ईमेल अकाउंट डिटेल डालना है, मेरे को अपना फ़ोन नंबर डालना है, और गाइस इसके साथ साथ ही मुझे ऑप्शन मिल जाता है कि मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जो है मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के, उसको मैं कनेक्ट कर सकूं अपने आर्टिस्ट अकाउंट के साथ जो कि मेरा बना हुआ है एप्पल म्यूज़िक पे। और साथ ही साथ क्योंकि मैंने ट्यून कोर के थ्रू मैंने यहाँ पर ये अप्लाई किया था अपना आर्टिस्ट चैनल क्रिएट करना, इसलिए मैंने यहाँ पर इजीली अपने ट्यून कोर का जो मेरा अकाउंट है उसको भी मैं यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ, ताकि मेरे को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिले। और यहाँ पर मुझे देना होता है अपनी डिटेल्स, अगर मैं मैनेजमेंट कंपनी हूँ, अपनी आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसकी डिटेल्स, अगर मैं खुद आर्टिस्ट हूँ तो उसकी डिटेल, और ये सारी डिटेल्स डालने के बाद ईजिली आप सबमिट कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। और गाइज, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है अपने
एप्पल म्यूजिक आर्टिस्ट अकाउंट को वेरीफाई करने के और क्लेम करने के, और कुछ ही दिनों में ये हो जाता है इजीली। इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, नॉर्मली फेस आपको करनी नहीं पड़ेगी प्रॉब्लम। और इसके बाद आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपका म्यूज़िक कौन स्ट्रीम कर रहा है, किस लोकेशन से आपके म्यूज़िक को आपकी ऑडियंस स्ट्रीम कर रही है, माइलस्टोन्स आपके ट्रैक्स ने अभी तक क्या क्या अचीव किए हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर आप अपना डाउनलोड डेटा और आपका जो रेडियो स्ट्रीमिंग रेडियो होता है उसका सारा डेटा आपको मिल जाता है, सारा एनालिटिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको हेल्प करता है आपकी ऑडियंस के साथ बेटर वे में कनेक्ट करने के लिए। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि आपको अगर अपने आर्टिस्ट अकाउंट वेरीफाई और क्लेम करने हैं तो स्पॉटिफाई पे आप ये आपका म्यूज़िक रिलीज़ होने से पहले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पॉटिफाई हेल्प करता है पिचिंग में भी आपके रिलीज़ से पहले। बट एप्पल म्यूज़िक में आप ये तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका सॉन्ग एक्चुअली भी प्लेटफॉर्म पर लाइव ना हो गया हो। तो गाइस, जिस तरह आपने ट्यूनकोर के डैशबोर्ड के थ्रू अपना एप्पल म्यूज़िक पे अपना आर्टिस्ट अकाउंट क्रिएट और क्लेम किया है, वैसे ही आपको करना है सेम स्पॉटिफाई के साथ भी। स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट का आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्यूनकोर के डैशबोर्ड में, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह आपको लेकर जाता है स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट वेबसाइट पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं वैसे ही आप आ जाते हैं स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट के होम पेज पे, और यहाँ पर आपको जाना है गेट एक्सेस पे। जैसे ही आप गेट एक्सेस पे जाते हैं तो आपको ये बताना है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं या फिर एक आर्टिस्ट की मैनेजमेंट कंपनी है या उसके मैनेजर हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास है। अगर आप एक आर्टिस्ट है, फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पर डिटेल्स देनी होती है अपनी, और जैसे मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स देता हूँ उसके बाद आपको करना होता है यहाँ पर लॉग इन। ये मैंने लॉगिन कर लिया है, और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो ये आपसे पूछता है कुछ डिटेल, जहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल देनी होती है, अपने वेबसाइट या फिर अपने जो अकाउंट आपके सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पे आपको उनके लिंक देने होते हैं, और कुछ टाइम तक आपको वेट करना होता है। आधे घंटे के अंदर आई गेस जितना मुझे टाइम लगा, मुझे सिर्फ आधा घंटा लगा, और आधे घंटे के अंदर ही इन्होंने मेरे अकाउंट को वेरीफाई कर लिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं प्रोफाइल पे गया हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि आर्टिस्ट वेरीफाइड हो चुका है सुल्तान नेशन, और यहां पर मेरे सारे गानों की डिटेल्स है जो गाने अभी तक मैंने स्पॉटिफाई के थ्रू इजीली यहां पे सर्विस किए हैं। बहुत सिंपल स्टेप है इसके, आपको बस क्लेम करनी होती है अपने प्रोफाइल को, आपको वहां पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देना होता है, और साथ ही साथ अपने किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर एक वेबसाइट की लिंक देनी होती है, और जैसे आप वो डिटेल्स भरते हैं आधे घंटे तक वेट कीजिए पेशेंटली, और उसके बाद आपको वहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी आती है उस पर आपको बता दिया जाता है कि आपका स्पॉटिफाई अकाउंट वेरीफाई हो चुका। और साथ और गाइस, इसके अलावा जो आपको एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि आप स्पॉटिफाई प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद उसको जब आप क्लेम करते हैं तो यहाँ पर आप अपने स्पॉटिफाई अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने आर्टिस्ट पिक के अंदर आप अपने जो आपके इंपॉर्टेंट सॉन्ग है, जो आपके हाईलाइटेड सॉन्ग है, आप उनको वहाँ पर फीचर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को फीचर कर सकते हैं। अगर कोई अपकमिंग आपका टूर आ रहा है, कोई शो आ रहा है, तो आप उसके बारे में वहाँ पर बात कर सकते हैं। आप अपना आर्टिस्ट बायो वहाँ पर एडिट कर सकते हैं, अपनी फ्रेश फोटोज़, अगर आपको कुछ आपको लग रहा है कि आपकी कुछ नए फोटोशूट हुए हैं, आप अपनी फ्रेश फोटोज़ वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेस्ट फीचर आपको ये मिलता है कि आप जितने भी स्पॉटिफाई के एडिटर्स हैं आप उनके पास अपने सॉन्ग को पिस्टल के थ्रू सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपको जो रेलेवेंट प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको इजीली प्लेसमेंट्स मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर आप स्पॉटिफाई लिसनर्स को जो आपको एक स्टैटिस्टिक्स मिलता है, जो आपको डिटेल्स मिलती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके मंथली लिसनर्स कौन कौन से हैं, कौन से सॉन्ग को कितना कंज्यूम किया जा रहा है, किस सिटी से आपकी ऑडियंस आती है, लिसनर्स आपके जो हैं वो कौन से एज ग्रुप के हैं, किस तरह के हैं, और क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं म्यूज़िक को, तो ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर आपका कोई अपकमिंग शो या टूर आने वाला है तो वो भी आप यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो गाइस, ये सारे के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सो गाइस, आई एम श्योर कि आपको आज के इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी, आप अपना स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूज़िक को क्लेम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ट्यूनकोर के थ्रू किस तरह से आप अपना ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल यूट्यूब पर क्लेम करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो मेरे को प्लीज़ बताएं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी एक फटाफट हम वीडियो लेकर आए। किसी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको से बेनिफिट हो सके। पीस।